الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، یقیناً زمین پر چلنے والے جانوروں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برے جانور وہ حق بات سننے سے بہرے اور حق بات بولنے سے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان میں کچھ بھی بھلائی یعنی حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق عطا فرماتے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی کی حالت میں جبکہ ان میں حق کی طلب نہیں ہے سنا دیتے تو وہ منہ پھیر کر کے ضرور بھاگ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو، یعنی حکم مان لو، جبکہ وہ رسول تم کو ایسی بات کی طرف بلاوے جس کو ماننے میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے دل کو روک لیتے ہیں، اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب جمع کر کے لے جائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم اس فتنے یعنی وبال سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں یعنی گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں پڑے گا، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. پہلا مضمون
आयत करीमा के अंदर ये बयान किया गया जिसका हासिल है कि चार चीजें हैं। एक है दीन की, कुरान की, नबी की बात को सुनना। आज बहुत सारे हमारे ईमान वाले भाई ऐसे हैं जिनको दीन की, कुरान की, हदीस की बात सुनने की तौफीक ही नहीं है, या ये कि सुनने का मौका नहीं है। इसीलिए जिस इंसान को अल्लाह ताला दीन और कुरान और हदीस की बात सुनने का मौका अता फरमाए वो बड़ा खुशनसीब इंसान है। सुनने का मौका मिले और सुनने की तौफीक हो जाए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वरना होता क्या है, हदीस पाक की मजलिस हो रही है, कुरान की मजलिस हो रही है, और जो है जिनको तौफीक नहीं होती वो अपने कामकाज में, गुनाहों में पड़े और लगे रहते हैं। तो सबसे पहला दर्जा, सबसे पहली नेमत कि दीन, कुरान, हदीस की बात सुनने का मौका मिले और उसको सुनने की तौफीक हो जावे, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान समझो। इसीलिए जितने भी भाई कुरान की मजलिस में शामिल होते हैं, जितनी हमारी बहनें इस कुरान की मजलिस में शामिल होते हैं, चाहे यहाँ मजलिस में होते हैं या नेट पर लाइव सुनते हैं, ये सब ये समझे कि ये अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। दूसरी बात, दीन की बात, कुरान की बात, हदीस की बात, उसको समझना है। बहुत सी मर्तबा हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। दूसरा दर्जा भी बहुत अहम है, कुरान की बात सुनो, हदीस की बात सुनो, दीन की बात सुनो, तो उसको समझो, समझने की कोशिश करो, समझने की मेहनत करो। और कोई बात अगर दीन की, कुरान की, हदीस की समझ में ना आए, बाद में पूछ लो कि आज ये बात आई थी, ये आयत आई थी, फुलानी बात हमारी समझ में नहीं आई। तो दूसरा दर्जा है कि कुरान, हदीस, दीन की जो बात हम सुनते हैं उसको हमें समझना है, समझने की कोशिश करनी है कि हम उसको सही सही समझने वाले बन जाए। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है बस सुन लिया, समझा नहीं, या समझा तो गलत समझा, सही नहीं समझा, ये सब नुकसान देने वाली चीज है। तो सुनने के बाद दूसरा नंबर है समझना, समझने की कोशिश करना और सही सही उसको समझना। तीसरा दर्जा आता है उस पर एतकाद और एतमाद करना कि जो दीन की बात हमने सुनी, हदीस की बात सुनी, कुरान की बात सुनी, दिल से हमारा अकीदा हो, दिल से हमारा मानना हो कि ये बिल्कुल सही और सच्ची बातें हैं, इसको एतकाद और अकीदा कहा जाता है। ये भी बहुत अहम और बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे मुसलमान दीन की बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन दिल के अंदर उसके बारे में अकीदा नहीं है। वो ये समझते हैं कि पता नहीं ये बात सही है, सच्ची है, यकीनी है, फायदा होगा नहीं होगा, क्या मालूम हुआ, अंदर का यकीन और अंदर का अकीदा और एतकाद कमजोर है।
कुरान की बात, हदीस की बात, दीन की बात, उसके बारे में दिल के अंदर पूरा एतकाद होना चाहिए कि हम दिलो जान से मानते हैं कि यही सही है। और याद रखो, दीन की किसी भी बात के बारे में दिल में शक का होना ये ईमान की कमजोरी की निशानी है। कि जब ईमान कमजोर होता है तो दीन की बातों के बारे में दिल में शक पैदा होता है कि ये बात जो कुरान में सुनी, हदीस में सुनी, वो पता नहीं सही है, सच्ची है, गलत है, फायदे वाली है, नुकसान वाली है। दिल में शक, ये बहुत बड़ा शैतानी जाल है। कुरान, हदीस, दीन की बात में दिल में पूरा एतकाद होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आज मुसलमानों को दुनिया में अगर कोई आदमी बात कह देवे तो भरोसा आ जाता है, यकीन आ जाता है, लेकिन कुरान, हदीस, नबी, अल्लाह की बात पर भरोसा नहीं होता है, एतमाद नहीं होता, उस पर एतकाद नहीं होता, अकीदा नहीं होता उसका। ये हमारी कमजोरी की दलील और निशानी है। कोई भी बात सुनो दीन की तो उसके बारे में दिल में पूरा यकीन और भरोसा होना चाहिए कि इसी के अंदर हमारी कामयाबी है। और आखिरी दर्जा, दीन की बात के ऊपर अमल करना, उसको अपनी जिंदगी में अपनाना, उसको अपनी जिंदगी के अंदर लाना, ये आखिरी दर्जा। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कुरान, हदीस, दीन की बात सुनो, समझो, सही समझो, उस पर दिलो जान से अकीदा रखो, उस पर भरोसा रखो और उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाओ। ये है एक कामयाब मुसलमान की निशानी। और अगर इसमें कमी आएगी, सुनता ही नहीं है, समझता नहीं है, अकीदा नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता, अमल नहीं करता, तो समझो कि इंसान के ईमान की बहुत बड़ी कमजोरी की बात है। कहिए, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, इनमें समझ नहीं है जैसे इंसानों को अल्लाह ने समझ दी है, वो समझ उनके अंदर नहीं है। ये जानवर आवाज सुनते हैं, ज्यादातर जानवर आवाज सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर बिचारों में समझ नहीं है। का जो ईमान वाला दीन की बात सुने लेकिन समझने तैयार नहीं, अमल करने तैयार नहीं, तो वो जानवर की तरह है। अब अगर कोई जानवर बेरा भी हो और गुंगा भी हो और उसमें अकल भी ना हो तो वो कितना खराब दर्जे का हो जाएगा। बेरा, सुनता नहीं, गुंगा, बोलता नहीं, अकल नहीं, पागल जैसा है। अगर कोई इंसान बेचारा ऐसा हो जाए, कान खराब और बोल नहीं सकता, पागल भी है, अब वो इंसान बेचारा कैसा होता है हम देखते हैं। पूरे घर वाले परेशान, समाज वाले परेशान, महल्ले वाले परेशान के तो पागल है, बेरा है, गुंगा है, कब क्या कर डाले, उसका कुछ नहीं कहवावे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ईमान वाले सुनते नहीं, समझते नहीं, अमल करते नहीं, अकीदा रखते नहीं, भरोसा रखते नहीं, वो लोग ऐसे ही जानवर की तरह है। कि उसका ईमान वाला मामला बर्बाद है, लुटा हुआ है। अल्लाह हम सबको पहला दर्जा आता फरमाए कि हम हक बात, दीन की बात सुनने वाले भी बने, समझने वाले भी बने, सही समझे, उस पर अकीदा और यकीन भी रखे, भरोसा भी रखे और उसके मुताबिक हम अपना अमल भी बनावे। ये बेहतरीन दर्जे का ईमान वाला। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तो इंसानों के दिलों की तलब देखते हैं, दिल में तलब कैसी है, तलब पर फैसला होता है। आप समझते हो
एक बच्चा मां को उससे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, लेकिन वो बच्चा तलब करेगा, मां भूख लगी, दो बिस्किट दे दो, दो रोटी दे दो, चाय दे दो, दूध दे दो। तलब पर मां उसको देती है, और अगर उसके अंदर तलब ही नहीं है तो सगी मां भी आमतौर पर दिया नहीं करती। बहुत कम माएं ऐसी होती है दुनिया में कि बच्चा मांगता नहीं, तलब भी नहीं करता, फिर भी सामने से दे, ले बच्चे बेटा ये खा ले, खाना ही पड़ेगा। बहुत कम माएं ऐसी होती है। एक सगी मां जिसको औलाद से मोहब्बत है, वो भी बच्चे की तलब देखती है। इसीलिए आता है ना कि एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो तलब कैसे करेगा? रो करके तलब करेगा, वो रोएगा, मां समझ जाएगी मेरा बच्चा भूखा हुआ है, फौरन वो मां अपनी छाती से लगाकर दूध पिला देगी। रोना उसकी तलब है। अल्लाह भी ईमान वालों की तलब देखते हैं कि तुम्हारे अंदर तलब कितनी है, और तलब के साथ जो अल्लाह ताला देते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा फायदा हुआ करता है। का अगर उनके अंदर दीन की तलब हो, फिर कुरान सुने, हदीस सुने, तो फिर इन लोगों के लिए दुनिया आखिरत के अंदर भलाई हो जावे, कामयाबी हो जावे। और तलब नहीं है, ऐसे ही सुना दो, तो फिर तो वो सुनने के बाद उठ के चले जाएंगे, अमल का नाम नहीं, जिंदगी में उतारने की कोई बात नहीं। तो बगैर तलब के अच्छी से अच्छी बात आदमी सुने उसका कोई फायदा नहीं हुआ करता। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुमको अल्लाह बुलावे दीन के खातिर तो फौरन तैयार हो जाओ। अल्लाह बुलावे, मौज़िन जो अजान देता है ये अल्लाह ही की तरफ से तो बुलाता है, मौज़िन कोई अपनी जात से थोड़ा ही बुलाता है। अजान देने वाला खुदा की तरफ से बुलाता है, वो खुदा ने इसको जिम्मेदारी दी कि वो अजान देकर के अल्लाह के बंदों को मस्जिद की तरफ बुलावे। तो कहे ईमान वालों, जब अल्लाह बुलावे, अल्लाह बुलावे यानी अजान के जरिए से अल्लाह मस्जिद में बुलावे, हज के लिए अल्लाह बुलावे, रोजा रखने के लिए अल्लाह बुलावे, तो फौरन अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। अजान हुई, आओ मस्जिद, रमजान आई, रखो रोजे, हज के दिन आए, हज फर्ज है, जाओ मक्कतुल मुकर्रमा हज करने के वास्ते। मालदार हो, साल पूरा हो गया, दे दो जकात, यह है अल्लाह का हुक्म पूरा करना। और जब रसूल बुलावे, अब तो इस वक्त दुनिया में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं है। एक मरतबा इस उम्मत के सबसे बड़े कारी साहब, वो एक सहाबी है, हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु। कितना प्यारा नाम है उबई, लोग नए नए नाम ढूंढते हैं ना बच्चों के, तो ये इस उम्मत के सबसे बड़े कुरान के कारी, जिनको हुजूर ने कारी कहा कि मेरी उम्मत के सबसे बड़े कारी, वो हजरत उबई रदी अल्लाह ताला अन्हु, उबई बिन काब। उनको हुजूर ने आवाज दी, उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज की वजह से उन्होंने आवाज तो सुनी लेकिन गए नहीं, नमाज पूरी की, सलाम फिराया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर ने फरमाया, उबई बहुत देर लग गई आने में। कहा, हुजूर में नमाज पढ़ रहा था। तो कहा, जब नबी बुलावे तो फौरन चले जाने का, नमाज तोड़ के चले जाने का। कहा, हुजूर आइंदा अब मैं ऐसा ही करूंगा, जब आप बुलाएंगे मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। अब जब हुजूर दुनिया में मौजूद नहीं है
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूरानी तरीका छोड़ के तशरीफ ले गए, जो पाकीजा सुन्नत छोड़ के गए, जो मुबारक जो रास्ता छोड़ के गए, जब उस रास्ते पर लोगों को बुलाया जाए आओ सुन्नत पर अमल करो, फौरन तैयार हो जाना चाहिए। लिमा युहयीकुम, असली जिंदगी तो इसी में है, इज्जत की जिंदगी तो इसी के अंदर है कि आदमी ईमान पर फौरन तैयार, कुरान के ऊपर अमल करने के लिए फौरन तैयार, सच्ची बात पर अमल करने के लिए फौरन तैयार, इसी के अंदर दुनिया और आखिरत की इज्जत की जिंदगी है। लिमा युहयीकुम, अगर किसी को दुनिया में इज्जत चाहिए, आखिरत में इज्जत चाहिए, तो कुरान पर अमल करे, नबी की बात पर अमल करे, इस्लाम पर अमल करे, दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी है। आज लोग बाज मरतबा बोलते हैं, ये क्या जिंदगी है हमारी, ये कैसी हमारी जिंदगी है। ये उस जिंदगी पर आदमी अफसोस करता है कि जिसमें इंसान खुदा की बात को मानता नहीं, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के कानून को तोड़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, दीन पर अमल नहीं करता, बस ये जिंदगी है, उस पर अफसोस करो कि ये कोई जिंदगी है हमारी। आज उल्टी दुनिया है, किसी के पास पैसे नहीं है, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, तो आदमी कहता है ये कोई जिंदगी है, भाड़े के घर में रहने का, जो मिला रूखा सूखा वो खाने का, ये कोई जिंदगी है। ये भी जिंदगी है और ये भी अच्छी जिंदगी है, कब, जब आदमी अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करे, कुरान पर अमल करे, इस्लाम पर अमल करे, दीन पर अमल करे, फिर चाहे वो झोंपड़े में रहता हो, बासी रोटी खाता हो, लेकिन वो हकीकत में वो जिंदगी है। और दीन पर अमल नहीं करता, कुरान पर अमल नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, शरीयत पर अमल नहीं करता, चाहे कितना ही मालदार हो, आलीशान बंगलों में रहता हो, नई नई गाड़ियों में घूमता हो, लेकिन वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो अफसोस वाली जिंदगी है। उस जिंदगी पर बोलो कि है ये कोई जिंदगी। बाकी एक ईमान वाला दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे, चाहे भूखा हो, जेब में कुछ न हो, लेकिन दीनदार है, ये है असली जिंदगी, इज्जत वाली जिंदगी, अल्लाह को खुश करने वाली जिंदगी। आगे फरमाया, वालमु अन्नल्लाह यहूल बैनल मरई व कल्बी, इंसान के ऊपर अल्लाह ताला का पूरा काबू है, पूरा काबू है हमारी जाहिरी बॉडी पर भी और अंदर के दिल पर भी, पूरे पूरा काबू अल्लाह ताला को हासिल है। कई आदमी रिमोट कंट्रोल लेके बैठा, क्या मैं एयर कंडीशन तेज करूं, फास्ट करूं, धीमा करूं, फैन चलाऊं, फैन बंद करूं, मेरे हाथ में रिमोट है, कंट्रोल है मेरे हाथ में। जिस तरीके से एक छोटी सी मशीन का रिमोट कंट्रोल हाथ में आ जावे, तो आदमी कहता है पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। इंसानों, अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि तुम्हारा पूरा कंट्रोल अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है। इंसान की पूरी जिंदगी, दिल, दिमाग, जुबान, जाहिर, अंदर, पूरा कंट्रोल अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है। इसीलिए जो आदमी अल्लाह ताला को राजी करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह की बात मानेगा, तो अल्लाह ताला कभी कुफ्र को, शिर्क को, शैतानियत को उसके पास भी आने नहीं देंगे। पूरा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, तुम अल्लाह के बन के देखो, अल्लाह की बात मानने वाले बन के देखो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बात मानो,
अल्लाह अपने फजल व करम से कभी कुफ्र को, शिर्क को, गुनाह को, शैतानियत को पास भी नहीं आने देंगे। यहूलु बैनल मरई व कल्बी, और अगर इंसान अल्लाह के दीन की मुखालिफत करता है, ये दीन पर क्या अमल करने का, दीन का विरोध करता है, अल्लाह की बात की मुखालफत करता है, तो उसकी नहूसत इतनी खतरनाक है कि उसकी नहूसत की वजह से इंसान के पास अल्लाह का दीन नहीं आता, फिर इंसान मारूम हो जाता है। आज बहुत सी मर्तबा हम कहते हैं ना कि भाई हम नेक काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं होते, हम जो है बहुत सुधरे सुधरे रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता ऐसा, वो दरअसल अंदर दिल में दीन के बारे में मुखालफत है, विरोध है, इस्लाम के बारे में, नबी के बारे में, कुरान के बारे में। और सुन लो, जिसके दिल में दीन के बारे में मुखालफत होगी, विरोध होगा, अल्लाह ताला उसको दीनदारी से महरूम कर देंगे, शैतानियत उसके पास रहेगी। और एक बड़ी बात जो इस आयत में अल्लाह ने सिखलाई, बड़ी जबरदस्त बात, कि जब कभी इंसान को नेक काम करने का दिल में इरादा आवे, फौरन नेक काम कर लिया करो। जो नेक काम करने का विचार आया, ख्याल आया, इरादा आया, कर लो उस नेक काम को। इसलिए कि आदमी सोचे बाद में करूंगा, फिर करूंगा, बाद में होगा, तो याद रखो आगे तकदीर में क्या लिखा है किसी को मालूम नहीं, क्या तकदीर है किसी को मालूम नहीं। अभी अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, माल दिया है, तो कहा इसी साल मुझे हज पढ़नी है, मेरा हज फर्ज है, मुझे पढ़नी पढ़नी है, दिल में इरादा आया, कोशिश चालू कर दो, अल्लाह हज पढ़वा देंगे। और आदमी क्या सोचता है, अभी जरा एक अच्छा बंगला ले लूं, नई कार ले लूं, बिजनेस थोड़ा सेट कर लूं, फिर बाद में हज तो अभी बहुत लंबी, तो जवान हूं मैं, जरा थोड़ा बुढ़ा हो जाऊं, 50 के ऊपर उम्र जावे, फिर मैं आराम से हज करूं। तकदीर कौन देखने गया, हो सकता है कि कोई बीमारी आ गई, हज में जा नहीं सका, माजूर मोहताज हो गया, हो सकता है तकदीर के अंदर ये लिखा है कि इसकी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, बिजनेस ठप पड़ जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा, और फिर इरादा भी करेगा तो हज तो क्या, उमरा भी नहीं कर सकेगा। इसीलिए जो भी नेक काम दिल में इरादा आवे, फौरन कर डालो, आगे तकदीर में कोई ऐसी बात हो गई, बीच में दीवार आ गई और आदमी कर नहीं सकेगा, पूरी जिंदगी अफसोस करेगा, पछताएगा। दिल में आया नमाज पढ़ो, फौरन पढ़ लो, दिल में आया सदका करूं, कर डालो, खैरात करूं, कर डालो, फौरन जो भी अच्छा काम करने का दिल में जज्बा आया कर डालो। अगर जो कल परसू तरसू बाद में फिर करने गए, तो हो सकता है जिंदगी भर वो काम न कर सके। कितने अल्लाह के बंदे हैं, हज में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ऐसा वक्त आ गया बेचारा बीमार हो गया, अब कैसे जाऊं, कोई व्हीलचेयर खींचने वाला नहीं है, कोई हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं, अब कैसे जाऊं, पैसे थे लेकिन इन्वेस्ट किए थे और सारा मामला गड़बड़ हो गया, अब पैसे नहीं है, कैसे जाऊं। बाज लोग सालहा साल से ख्याल कर रहे हैं, बरसों बरस से, कि मुझे ये नेक काम करना है, बस विचार की दुनिया में ही भटक रहे हैं, ख्याल की दुनिया में ही चक्कर काट रहे हैं, और कभी वो नेक काम नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी कोई नेक काम का इरादा दिल में आवे, फौरन करो, इसको अल्लाह का मेहमान समझो। दिल में अच्छे काम का इरादा आया, ये इरादा अल्लाह की तरफ से आया हुआ मेहमान है, अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है,
अच्छे काम का इरादा और फौरन उस पर अमल कर लो तो इंसान जो है वो अमल कर डालेगा, कामयाब हो जाएगा। वरना जहां का वहीं रहेगा, सोचेंगे फिर करेंगे, विचारेंगे, मशवरा हो रहा है, बाद में फिर ऑफ सीजन में बस शैतान फिर चक्कर में चलाता ही रहता है। वो अन्नहु इलैही तुहशरून, और तुम अल्लाह ताला की तरफ सबको जमा होकर के जाना है। 25 नंबर की आयत के अंदर अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त बात फरमाई। बाज वबाल मुसीबत ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ गुनाह करने वाले पर अकेले पर नहीं आते, सब लोगों पर आते हैं। देखो दो तरह के गुनाह हैं। एक गुनाह ऐसे हैं कि जो इंसान करता है उस पर उसकी आफत आती है। कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जिसने किया उस पर आफत आवे, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जब वो गुनाह कोई इंसान करता है तो सिर्फ करने वाले पर आफत नहीं आती, सब लोगों पर आफत आती है। कैसी बड़ी बात है। जैसे कि लोगों को अच्छी बात सिखलाना और बतलाना अम्र बिल मारूफ, लोगों को गुनाह और बुराई से रोकना नहीं अनिल मुनकर, ये इसको कोई आदमी छोड़ देवे कि भाई ये भली बात दूसरों को सिखाने की नहीं, अपनी नमाज पढ़ो बहुत हो गया, किसी को गुनाह से रोकने का नहीं, अपने खुद गुनाह से बच जावे बहुत हो गया। अगर जब लोग अम्र बिल मारूफ अच्छी बात सिखाना छोड़ देंगे, बुरी बातों से रोकना छोड़ देंगे, तब अल्लाह का जो अजाब आएगा वो सब लोगों पर आएगा, सिर्फ छोड़ने वालों पर नहीं, सब लोगों पर आएगा अल्लाह का अजाब। और दूसरा गुना जुल्म है। आदमी जुल्म को देख रहा है आंख से, जालिम को रोक सकता है, जालिम को टोक सकता है कि भाई ये तो क्या जुल्म कर रहा है, रोक सकता है, टोक सकता है, बोल सकता है, फिर भी नीचा मुंह करके चला जाता है, अपने को इसमें नहीं पड़ने का। तो याद रखो, हदीसों से मालूम होता है कि जुल्म रोक सकते हो, जुल्म पर बोल सकते हो, फिर भी जुल्म से नहीं रोकोगे तो अल्लाह का जो अजाब आएगा सिर्फ जालिम पर नहीं आएगा, सब लोगों पर आएगा, सब लोग उस गुलामे अजाब में वबाल में मुब्तला हो जाएंगे। इसीलिए ये काम बराबर चालू रखो, अपने से जो हो सके नेक काम दूसरों को सिखाओ, नेक बातें सिखाओ, चलते फिरते जहां मौका मिले कोई भी अच्छी बात सिखा देने की, जहां मौका मिला बहुत अदब से गुनाह से रोक लेने का। जुल्म पर हम रोक सके तो रोको, वरना कम से कम बोलो कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, ताकि अल्लाह ताला के अजाब से हिफाजत हो जाए। वरना जो आम और जनरल अजाब आता है उसमें सब लोग मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अरबी में सफर का महीना स्वाद से आता है, और जो सफर ट्रैवलिंग करते हैं वो सीन से आता है। दोनों में बहुत फर्क है। ये सवाल करने वालों ने मिक्स किया है दोनों को। ये अभी सफर का महीना चल रहा है जो मुहर्रम के बाद दूसरे नंबर का महीना है, वो सिफर यानी खाली से है, और जो हम ट्रैवलिंग और सफर करते हैं वो छोटी सीन से लिखा जाता है। और सफर को सफर इसलिए कहते हैं कि आदमी जब सफर में निकलता है तो इंसान के अखलाक दूसरों के सामने खुल जाते हैं, सफर के माने खुल जाने के।
ऐसे घर में वतन में सही माने में अखलाक खुलते नहीं, इन सफर में साथ चलो 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे, तो आदमी की रात दिन सोना खाना उठना बैठना पूरे अखलाक खुल जाते हैं आदमी के। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी ने किसी की तारीफ की, हजरत उमर ने पूछा कि तभी कभी तुमने उनसे कोई मामला किया है? कहने हजरत मामला तो नहीं किया है। तो फिर कैसे तुम उनको बहुत नेक और अच्छा कहते हो? मामले से पता चले आदमी के अच्छा है कि बुरा है। फिर हजरत उमर ने पूछा कि कभी सफर में साथ गए हो? कहना सफर में साथ भी नहीं जाना हुआ। फिर कैसे कहते हो कि बहुत अच्छा आदमी है? मामलात में और सफर में आदमी पहचाना जाता है कितना अच्छा है और कितने पानी के अंदर है। बहरहाल सफर अगर कोई आदमी अपने वतन से 75 किलोमीटर की नियत से अपने शहर की बॉर्डर से बाहर निकल जाए तो फिर उसके लिए नमाज वगैरह में कंसेशन चालू हो जाता है। जोहर असर ईशा चार के बजाय दो ही रकात पड़ी जाएगी। नियत करके निकल गया अपने वतन से और इरादा है 75 किलोमीटर दूर जाने का या उससे भी ज्यादा दूर जाने का, तो ये आदमी शरीयत की नजर में मुसाफिर कहलाता है और नमाजों को कसर करेगा। उतावल हो सफर में तो सुन्नते ना पढ़े, और इत्मीनान से कहीं रुके हुए हैं मौका है तो सुन्नत नफिल भी पढ़ लेवे सफर के दरमियान के अंदर। और बाकी ये जो सफर का महीना चल रहा है उसके बारे में जो लोगों में बहुत सारी गलत फहमी है कि सफर के महीने में निकाह नहीं करने का शादी नहीं करने की, ये सब बातें गलत है, उसकी कोई हैसियत और हकीकत नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि सफर के महीने में निकाह करोगे तो बरकत नहीं होगी खैर नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ सब महीनों और टाइम के बारे में ऐसी सब नौसत की बातें सोचने की नहीं, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं।